तो आज कुछ ज्यादा काम किया नहीं हम लोग ने, क्योंकि दो दिन से कंटिन्यू हम लोग 5:30-6 बजे सो रहे, हम लोग थक गए थे दोपहर को, हम लोग सोए आज मस्त एकदम। ट्यूटोरियल्स देखा बहुत सारा, तो 4 घंटे का ऑलमोस्ट 3.49 मिनट्स का है, अभी ऑलमोस्ट खत्म होने आया। तो वही मैं सीख रहा हूँ सिनेमा 4D, ट्राई कर रहा हूँ कि और कुछ क्रिएटिव लेके आओ वीडियोस में, आपको कुछ अलग दिखाओ। एक डाउट है कि सिस्टम भी सपोर्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, अगर पॉसिबल है तो पक्का कुछ बेटर करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 दिन बारिश ना गिरने का नतीजा है पूरा मोकड़ा मोकड़ा रूम, ना साड़ी ना कुछ, ना ग्रीन स्क्रीन, कुछ नहीं है यहाँ पे। हम लोगों को एक सीन शूट करना है तो उसका प्रैक्टिस करेंगे फिलहाल। तो मैंने आज सिनेमा 4D स्टार्ट किया है एंड ये उसका पहला फुटेज मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैंने ट्राई किया है, मैंने पता है उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन अभी और ट्राई करेंगे और कुछ बेटर लेंगे आपके लिए। तो आज यहाँ पे श्रीराम आया, फिलहाल एडिट में बिजी है। तो श्रीराम का भी एक चैनल है सोशल इंस्पिरेटर्स, अगर आप मालवन नहीं हो तो आप पक्का जाके देख लो, चेक करो, आपको पसंद आएगा। मालवनी नहीं भी हो तो भी जाके देख लो, क्योंकि कंटेंट अच्छा है, आप जाके देख सकते हो। देखो देखो देखो, अच्छा अच्छा है, पक्का आपको पसंद आएगा। तो अभी बेसिक टाइमलाइन लगा दी थी मयूर ने, और अभी श्रीराम ने मुझे बोला कि जो भी लगता है वो तू पार्ट्स निकाल दे वीडियो से। तो मैं जो पार्ट्स उड़ा रहा हूँ वो डर रहा है थोड़ा। बाबा वीडियो कम से कम 8 मिनट चलेगा, उससे नीचे नहीं चाहिए मुझे, फिंगर्स आर क्रॉस्ड। देखते हैं अभी कितने मिनट का वीडियो बनता है। तो हम लोग ने ना यहाँ पे एक फ्लैप लगाया था ताकि नीचे से डस्ट और साउंड जो है टीवी का या फिर कोई बोलता है तो वो कम आए, लेकिन वो फ्लैप और वो जो वुडन लेयर था उसके बीच में भी थोड़ा गैप्स रह रहे यार। फिर अभी सोचा है कि उसको भी साउंड प्रूफ कर देने का, पूरा उसका गैप्स पूरा फिल कर देने का। तो उसके लिए मैंने स्पॉन्ज लाया था जो मैंने यहाँ पे रखा है, और वो दारू का बॉटल है, लेकिन हम लोग पीते नहीं है लेकिन हमने रखा है क्योंकि हम लोग को प्रॉपर्टीज में लगता है। तो वो स्पॉन्ज मैंने फिलहाल कट करके यहाँ पे जो गैप्स है ना पूरे लगा दिए मैंने यहाँ पे। तो ये स्पॉन्ज तो लग चुका है लेकिन ये बहुत गंदा लग रहा है। तो एक सलूशन है कि हम लोग ये टेप है कोटिंग लगाने वाले ताकि वो थोड़ा सिमेट्रिक लगे। तो अभी टेप लगा दें और अपन मयूर को बोलते हैं कि कैमरा लगा दे साइड में और अपन चुपचाप यहाँ पे काम करते है ना। यार अभी काम करते करते फिलहाल तो वो टेप खत्म हो गया, तो अभी लेके आना पड़ेगा नया टेप क्योंकि काम पेंडिंग है। और मयूर भी नहीं है, मयूर खाना खाने गया था, तो अभी उसको बुलाऊंगा और यार जाना तो पड़ेगा ना यार। घर की काम करने लगता है बाहर पड़त में। ऐसा कुछ साउंड प्रूफिंग किया है यहाँ पे, स्पॉन्ज के ऊपर टेप का लेयर लगा दिया ताकि स्पॉन्ज थोड़ा अनइवन था, छोटा मोटा, तो कुछ कुछ थोड़े गैप्स बच रहे थे बीच में। तो फिर ये जो लगाया ना टेप से सारे गैप्स फिल हो गए। तो वी आर हैप्पी विद दिस। तो अभी नेक्स्ट टाइम से और साउंड इम्प्रूव रहेगा और थोड़ा काम भी कम हो जाएगा एडिट करने का। बहुत पेशेंस ये सीखने यार, बहुत पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। उसके बिना आप कुछ यूनिक क्रिएट नहीं कर पाते हो सीरियसली। थैंक्स टू ऑल दोस गाइस जो इतना डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं फ्री में। मैं भी एक दिन दूंगा, पूरा फ्री रहेगा, पहले मैं सीख लूँ बस।